गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश पटेल फ्रॉम लिटिल फ्लावर एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स पार्ट टू। इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। नाउ टूडे वी विल टीच यू प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन लास्ट लेक्चर हमने आपको बताया था कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के बारे में। स्ट्रांग एसिड क्या है? जो जल में घुल करके H+ आयन अधिक देते हैं, अधिक मात्रा में। और बेसिस क्या है? स्ट्रांग बेसिस वह है जिसमें जल में घुल करके OH निगेटिव आयन बनाने की कैपेसिटी अधिक होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड की जो क्रिया है, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ क्या है और बेस का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन है? तो एसिड है, मान लीजिए एसिड अगर मेटल के साथ मिलाते हैं, एसिड और मेटल को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे HCl है, कोई मेटल ले लीजिए ZN, और इसके साथ आप रिएक्शन लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, ZnCl2+H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। लाइक एसिड, बेस भी एसिड की तरह ही रिएक्शन करता है। बेस आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सभी बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और ये साल्ट और H2 बनता है ना। कोई भी बेस ले लीजिए, NaOH, एक मेटल ले लीजिए ZN ले लेते हैं, तो ZN ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका रिएक्शन होगा Na2ZnO2, है ना, और हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। यह है आपका सोडियम जिंकेट, है ना, ठीक। यह जिंक क्लोराइड है। दूसरा रिएक्शन लेते हैं आपका, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, कोई भी एसिड ले लीजिए, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड से आप रिएक्शन कराएंगे। क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होता है वह आपका बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड वह आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस मिलाने पर क्या बनता है,
साल्ट बनता है, आपको बताया गया था, साल्ट और वाटर बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो कोई भी एसिड ले लीजिए, या Cl को ले लेते हैं आप, CuO ले लीजिए, CaO ले लीजिए, मेटल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो CaCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, है ना। तो यह क्या है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, ठीक। आगे चलते हैं, यह जो बेस है, है ना, बेस क्या करता है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड से एसिड किया, यहाँ पर बेस रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड में देखेंगे कोई भी बेस जो है वह आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएगा। देखिए बेस है नॉन मेटल ऑक्साइड, हमने आपको बताया कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस मिले तो क्या होगा, साल्ट एंड वाटर हो OH, और यहाँ पर आपका नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, ट्राई ऑक्साइड लेते हैं, है ना, सॉरी, ये Na2NaOH प्लस SO3 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये Na2SO4 और H2O हमको क्या होता है, प्राप्त तो होता है। रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड आर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अंतर इतना है कि कोई भी एसिड जो है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, चूंकि यह एसिड है, यह थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, है ना। अब एसिड और बेस के साथ, लेकिन यह साल्टी नेचर का भी है, अब यहाँ पर बनेगा साल्ट, वाटर बनेगा, और उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl को ले लेते हैं, अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, अब रिएक्शन आपने कराया तो क्या हो गया, NaCl हो गया प्लस H2O हो गया प्लस CO2 गैस निकल गई। CO2 गैस निकली चाहे सोडियम कार्बोनेट से, इसी तरीके से आप HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 फार्म होता है, CO2 गैस निकल जाती है। CO2 गैस की निकलने की उपस्थिति की जांच करने के लिए आपको एक मैं एक्टिविटी बता रहा हूं बच्चों, कि आप एक पॉट ले लीजिए, उसमें आप CaOH टेकन ट्वाइस का मिक्सर ले लीजिए, जिसे हम स्लैग लाइम कहते हैं, जब यह इसका सलूशन होगा तो पूरी तरीके से यह परमिएबल होगा, या आप कह सकते ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन जैसे ही निकल रहा CO2 की नली, ऐसे आप लाएंगे इसमें नली को डालेंगे, तो CO2 की जो मात्रा है जैसे ही इसके साथ आएगी, यह विलयन
कलरलेस से मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। जब मिल्की हो जाएगा लेकिन एक्सेस अमाउंट अगर आप डालते हैं तो वह मिल्की नहीं, धीरे धीरे मिल्की से फिर वह क्लीन वाटर हो जाएगा। इसीलिए आप चूना डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये है कुछ आपके इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहे जो एसिड और बेस से रिएक्शन करते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आर दो सबस्टेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स। इट मीन्स दैट कि सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य रासायनिक पदार्थ की पहचान में मदद करते हैं कि आखिर वह एसिडिक है कि बेस है कि न्यूट्रल है। यह बताते हैं आपके क्या? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में हमने आपको बताया था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। तो जो इंडिकेटर्स हैं कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स के हम आपके सामने विवरण देते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी, आल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, आल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वह इंडिकेटर है जो किसी भी सबस्टेंस के आर्डर में चेंज कर देता हो। आर्डर मीन्स होता है स्मेल बच्चों, किसी भी सबस्टेंस के स्मेल में जो चेंज हो जाए ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? आल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे आप ओनियन ले लीजिए, ओनियन, वनीला, तो ओनियन क्या है? आप देखे होंगे कि जो प्योर ओनियन को क्या करिए, क्रश कर दीजिए, उसकी स्मेल को देखिए, है ना। प्योर ओनियन की जो स्मेल होगी वह क्या होगी? वह डिफरेंट होगी इन कंपेरिजन टू इस ओनियन में आप क्या करिए, एसिड और एसिड मिलाएंगे तो उसका जो स्मेल होगा डिफरेंट होगा, बेस मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी मैटर या सब्सटेंस के आर्डर में क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो आर्डर में जो चेंज हुआ, ओनियन का चेंज एसिड मिलाने से वो बदल गया, तो क्या हुआ? वह चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस मिलाने पर अलग अलग, मतलब वह सूचना देते हैं कि यह जो मैटर है वह क्या है, आपका एसिड है कि बेस है। इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस बट आल्सो डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक नेचर। यह किसी भी मैट सब्सटेंस का नेचर ही नहीं, वह एसिड है कि बेस है यह भी डिटेक्ट कर देता है। दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लिटमस पेपर है बच्चों, जैसे लिटमस पेपर को आप एसिड और बेस के साथ ले जाते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के क्या करता है, प्रक्रियाएं या रिएक्शन दिखाता है। तो कुछ जो आपके, देखिए ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं यह पीएच वैल्यू पर डिपेंड करते हैं ना, वो पीएच मान पर डिपेंड करते हैं। पीएच मान कितना होगा उस अनुसार इसको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट कर देते हैं। तो पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक पीएच पेपर लिया जाता है। क्या हो गया? पीएच पेपर हो गया। पीएच पेपर के साथ साथ एक पीएच स्केल होती है। क्या होती है? एक पीएच स्केल होती है।
जिस पर 0 से लेकर के 14 तक खाने बने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 14 तक क्या होते हैं, ये खाने बने होते हैं। इनके आधार पर और इन पर जो कलर होता है बीबीग्योर, यानी कि जो आपका रेनबो का कलर होता है, इस पर मिक्स रहता है VIBGIOR तक, यहाँ तक क्या होता है यह रहता है, उसी के अनुसार कलर के अनुसार इस पर कलर पेपर रहता है। कलर पेपर के अनुसार जिस कलर में आता है उसका क्या होता है, उसी अनुसार क्या करते हैं हम पता लगा लेते हैं कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो जो जी यहाँ पर यह 7 क्या है, न्यूट्रल नंबर होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 उदासीन होता है, इस पर इस अगर 7 पीएच है, 7 हमारे वाटर का पीएच है, 7 हमारे वाटर का पीएच है। इधर आएंगे तो इनक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इनक्रीजिंग जो होगा एसिडिक करेक्टर, एसिडिटी क्या होगी, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, इंक्रीज बेसिक करेक्टर, इंक्रीज बेसिक करेक्टर। तो पीएच वैल्यू अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, जैसे लेमन जूस है उसका 2.2 है और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वह 1.2 है। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से, और हमारा जो ब्लड है वह 7.34 के आसपास है, 3 या 4 के आसपास है, तो ये अगर 7 से इधर आता है तो क्या होगा, यह एसिडिक होगा, इधर जाता है तो क्या होगा, बेस होगा। तो जितना ही इसका पीएच वैल्यू कम होगा वह उतना ही क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा वह उसका क्या होगा, वह बेसिक होगा, लेकिन 14 तक, ठीक। तो पीएच स्केल के माध्यम से आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। रेड लिटमस या आप कह लें पहले इंडिकेटर्स एसिड के साथ और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इंडिकेटर्स आपके जैसे रेड लिटमस एसिड में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह बेस में जाने पर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। बेस में जाने पर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, और बेस में नो चेंज कोई परिवर्तन नहीं है, जस का तस है। और आप जानते हैं टर्मरिक हल्दी, जानते हैं ना, हल्दी एसिड के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन बेस के साथ जो है वह रेड हो जाती है। एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ रेड हो जाएगी। आगे फिनाफ्थलीन एसिड के साथ जो है वह नो चेंज जैसा है, कलरलेस रहता है, ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। आगे है आपका मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ जो है वह रेड हो जाता है और बेस के साथ एलो हो जाता है, क्या हो जाता है, एलो, है ना। तो देखिए ऊपर के जो 3-4 आपके है इंडिकेटर्स, वह किसी एक में प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन मेथिल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर्स है जो एसिड के साथ अलग और बेस के साथ अलग प्रतिक्रिया शो करता है।